आज हम हिंदी की रिवीजन की क्लास में मुहावरों का रिवीजन करेंगे। पिछली कक्षा में भी जब रिवीजन हुआ था तो हमने मुहावरों का रिवीजन किया था। तो सबसे पहले मुहावरों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, मुहावरे कहते कि नहीं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा वाक्य का अंश, छोटा सा वाक्य हो सकता है, वो वाक्य का अंश हो सकता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ दे और उसकी जगह वो किसी विशेष अर्थ को, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एक विशेष अर्थ को वो व्यक्त कर रहा हो, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। कुछ मुहावरे मैं आपको जो पार्ट 7 हिंदी का हुआ था उसमें भी करवा चुका हूँ, उसके बाद कुछ एक दो और पार्टों में भी हुए हैं और कुछ पिछले वीक मैंने आपको कराए थे। तो कुछ मुहावरे आज हम करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कुछ प्रचलित मुहावरे। मुहावरे हैं और उनके अर्थ लिखे हुए हैं दूसरे कॉलम में, जैसे नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत तंग करना या बहुत दुखी करना। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का मतलब होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यानी स्वयं अपनी तारीफ करना। अंधे की लकड़ी या लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, यानी जो किसी का एक अकेला ही सहारा हो। अगर मगर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। आसमान सिर पर उठा लेना यानी कि बहुत शोर करना। घी के दिए जलाना यानी कि बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। दिन रात एक करना यानी खूब परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है, कहते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही सिंपल कार्य है यानी अति सरल कार्य है। और हवा से बातें करना यानी बहुत तेज़ दौड़ना। तो ये सभी मुहावरे मैंने आपको समझा दिए हैं, ये सभी आज आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे और इनको याद करना होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।